ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी धरती के गीत। धरती के गीत श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना पर आधारित हमारा ये श्रृंखलात्मक कार्यक्रम यात्रा लोक विरासत की। लोकगीत किसी भी क्षेत्र के हों उनमें रोचकता होती है, उनमें अपनापन होता है, माटी की सौंधी महक होती है। ग्रामीण परिवेश में लोकगीत की रचना का क्रम निरंतर जारी है। बड़ा ही रोचक है लोकगीतों का संसार। ये लोकगीत ही हैं जिनका जुड़ाव सीधे लोगों से होता है। लोकगीत संस्कृति का परिचायक होते हैं। हर किसी को अपनी बोली के, अपनी भाषा के, अपने आसपास के लोकगीत बहुत भाते हैं। लोकगीतों में परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक पुट होते हैं। क्षेत्रीय बोली या फिर उप बोली में उस इलाके के लोकगीत रचे जाते हैं जिन्हें अपनाते हैं वहाँ के समाज के लोग, वहाँ के क्षेत्र के लोग, वो उनके अपने लोकगीत बन जाते हैं। साधारण रूप से हर क्षेत्र में अपनी शैली में गाए जाने वाले इन लोकगीतों का विशेष महत्व होता है और ऐसे ही लोकगीतों को संकलित किया है आकाशवाणी महानिदेशालय ने एक विशेष परियोजना के अंतर्गत। आज ये लोकगीत हैं ग्राम मिश्री नगर तहसील सदर जिला रामपुर में निवास करने वाली हिंदू समुदाय की गुजर जाति के श्रीमती गीता देवी, प्रवेश, चित्रा, बालवती और शिमला के स्वर में। संस्कार गीतों की आज की यात्रा आरंभ करते हैं परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले इस गीत के साथ। इस गीत को सोहर भी कहा जाता है, जच्चा गीत भी कुछ लोग कहते हैं। परिवार में किसी नवजात का आगमन निश्चित रूप से सुख का, आनंद का परिचायक होता है। इस गीत में नवजात की माता को आशीर्वाद दिया जा रहा है और गौ माता से भी प्रार्थना की जा रही है कि वो नवजात के पैदा होने के समय होने वाले दर्द में कुछ शांति और पीड़ा से मुक्ति प्रदान करे। Yeah.
ये गीत बन्ना गीत है। परिवार में बेटे की शादी है। बन्ना सज धज कर बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके शीश पर सेहरा है, लड़ियों पर हर किसी का मन मचल रहा है। इसी तरह से उसका पहनावा, उसके जूते, उसका साज सिंगार सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी एक संस्कार गीत है, इसे हम बन्ना गीत कहते हैं। जब किसी लड़के का रिश्ता हो जाता है तब उसके मन में सपने पलने लगते हैं, भावों का ज्वार भाटा आता जाता रहता है, अनेक सवाल उठते हैं कि उसकी दुल्हन कैसी होगी, उसके साथ उसका निभा कैसे होगा, वो गोरी होगी, काली होगी, पढ़ी लिखी होगी या फिर ऐसी होगी जो सब पे अपना हुक्म चलाएगी। यही भाव है इस बन्ना गीत के। Yeah.
जब भी परिवार में कोई संस्कार होता है, खासतौर पर कोई शुभ अवसर, मांगलिक समारोह, तब हास परिहास का अपना विशेष महत्व होता है। ये हास परिहास उस संस्कार की खुशी को अभिव्यक्त करते हैं। परिवार में बेटे की शादी है, एक दूसरे को छेड़ा जा रहा है और छेड़छाड़ का माध्यम बने हैं कुछ लोकगीत। प्रस्तुत गीत जच्चा गीत है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब उसके सभी संबंधी, दादा, ताऊ, चाचा, मौसा, फूफा, उसके लिए झूला लेकर आते हैं और घर की सभी महिलाएं उसे झूला झुलाती हैं। पालने में वो बालक कृष्ण सरीखा प्रतीत हो रहा है। यही भाव है इस जच्चा गीत के। Thank you.
ये गीत भी एक जच्चा गीत है। भाव है कि जच्चा कहती है कि वो इस समय जंगल में है, अपने बच्चे को दूध कहाँ से लाकर दे। अगर वो अपने देश में होती तो परिवार के सभी लोग खुशी मनाते, उसके लिए दूध का इंतजाम करते, मंगल गीत गाए जाते। ये गीत भी सोहर गीत है, जन्म संस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत। जच्चा खत लिखवा रही है और इस खत के जरिए वो न्योता भेज रही है अपने सभी परिजनों को और बुला रही है अपनी सास को, ससुर को, जेठ को, जिठानी को, देवर देवरानी को, नंद नंदोइयों को और भी अन्य रिश्तेदारों को। जा
श्रोताओं, ये लोकगीत थे ग्राम श्रीनगर तहसील सदर जिला रामपुर की गुजर जाति के, गीता देवी, प्रवेश, चित्रा, बालवती और शिमला के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा, आज आज्ञा दीजिए, नमस्कार। धरती के गीत।